आखिरकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत रंग लाई और गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसके चलते पूरे देश में खुशी की लहर है। ऐसे में अंतरिक्ष की दुनिया में इस बड़ी उपलब्धि को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बेहद बड़ी कामयाबी है। गगनयान मिशन की इस सफल टेस्ट फ्लाइट के बाद कई और परीक्षण उड़ानें भी की जाएंगी। इन सभी टेस्ट फ्लाइटों में सफलता हासिल करने के बाद हम ह्यूमन मिशन शुरू करेंगे। आज एक नई शुरुआत हुई है। अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक अनिवार्य है उसको सुरक्षित रूप से वापस लाना, और उसका भी आज इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हुआ। इसके बाद हम जैसे IT1D1 था, उसके D2, D3, D4 करके आगे बढ़ते जाएंगे और आखिरकार एक बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल, जिसमें पूरी की पूरी स्पेसशिप, जिसमें मानव तो नहीं होगा लेकिन वो उसी प्रकार की इटर्नरी उसकी यात्रा रहेगी जिस तरह के गगनयान की। और फिर गगनयान के जाने से लगभग 4-6 महीने पहले एक रोबोटिक, एक महिला रोबोट रहेंगी, बायोमित्र, वो उसी प्रकार की प्रक्रिया फंक्शनिंग करेंगी। वही उनको जो जिस प्रकार के हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले मानव एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेवारियां रहेंगी, उन्हीं को वो संपन्न करेंगी और सुरक्षित वापस पानी में जब वो वापस लौटेंगी और उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा, उसके बाद फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक लगातार सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वो स्थिति आ गई है, प्रमाणित तौर पर विश्व मान चुका है कि वो जमाना जाता रहा। हालांकि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई थी, यदि आप तुलना करें तत्कालीन सोवियत यूनियन के साथ या अमेरिका के साथ, लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि हमारी लाई गई जानकारी, हमारी लाई गई सूचनाएं दूसरे देश साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान हमारा सदर्न पोल पर जाकर के लैंड हुआ है, जहां पहली बार इस प्रकार की लैंडिंग हुई है, और वहां से जो जानकारियां प्राप्त हुई अभी तक साझा तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे देश भी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम, जहां समझा जाता है कि भारत सदा दूसरे देशों की अगुवाई में काम करता है, आज हम उनकी अगुवाई करने की स्थिति में हैं।